बस बताएं, हेलो एवरीवन, यस यस सर, थैंक यू। चलिए एक ऐसा टॉपिक जो सबको समझ में आएगा, टॉपिक डाल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे। सब पढ़ चुके हैं ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसलिए मैंने टाइम दिया उसमें। सब वीडियो लेक्चर देख चुके हैं ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, बताइए हाँ या ना। कोई बोल ही नहीं रहे। यस सर, देख लिया था। बहुत अच्छी मानसी, आपने देखा था साइंटिस्ट? यस सर। गुड। तो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, खासकर ऑर्गेनिक सब में बहुत आएगा ये। तो ध्यान दें, जैसे आपने पिछले क्लास में डाइपोल मोमेंट पढ़ा, जैसे आपके पास ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है आपके पास। अगर आपने एक और HF ले लिया, प्लीज देखिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो बताइए ये पोलर है, ये भी पोलर है, दोनों के बीच में बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। इस दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। तो बस इसी डॉटेड लाइन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, दो मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल के बीच में है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। आई रिपीट, हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। बहुत सारे क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट के, सॉलिबिलिटी के क्वेश्चन इसी पर आएगा, केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके एप्लीकेशन सब अभी हम आपको लिख पाएंगे। तो कोई पूछे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो एक तरह का ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। कैसे समझेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफाइंड एज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। बताइए सारे लोग, डिफिनेशन समझ में आया साइंटिस्ट लोग? हेलो एवरीवन, नीचे लिखें, इट इज डिफाइंड एज एज द अट्रैक्टिव फोर्स which binds hydrogen atom of one molecule with the electronegative element of another molecule। सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। Yes sir। सबको आया समझ में? Every student, दीवान सर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में। अब हम नहीं, अभी मत बोलिए, आप डिफिनेशन सब पढ़ाएंगे, कंडीशन का सब पढ़ाएंगे, प्लीज पेशेंस पेशेंस। ओके ऋषि जी, सब आ जाएगा, रुक जाइए 10 मिनट के बाद। ओके यस सर। हाँ, अभी सब बताएंगे आपको। अभी डिफिनेशन मैंने बताया कि एक तरह का ये अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो कोई पूछे हाइड्रोजन बॉन्ड का अट्रैक्टिव फोर्स है, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बताइए आगे बढ़ें। अरे कुछ तो बोलिए। यस सर।
Has everyone completed? No sir. No sir. Okay, okay. Noah ka ho gaya? Yashika Jain, aapko aa raha hai scientist? Yes sir. Aditi, aapko aa raha hai thinker? Aditi. Yes sir. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. आप सुनिए कि सर कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस क्या है? पहली बात, हाइड्रोजन एटम शुड बी बॉन्डेड टू हाईली. पहली कंडीशन आप देखिए, मैं डिफिनेशन को मैं ब्रेक करके समझा रहा हूँ. हाइड्रोजन एटम शुड बी बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. क्लियर है स्टूडेंट? अब सुनिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है, जानते हैं तीन ही है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. पूरी केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्ड यही तीन के साथ, यही तीनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, हाँ या ना जल्दी बताइए. इसके बाद कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जल्दी बताइए? ऑक्सीजन. बहुत अच्छे, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. किससे? इसलिए अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरीन के साथ क्यों नहीं, जबकि क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है. इसे सेकंड कंडीशन, the size of electronegative element should be small, or small ka matlab belongs to jaldi boliye. Ye teenon second period ka hai ki nahi, jaldi bataye, ha ya na? Are boliye. Yes sir. क्लोरीन की साइज बड़ी है, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही वीके नहीं बना पाएगा. तो इसलिए याद रखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए पहली कंडीशन, हाइड्रोजन एटम शुड बी बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. अब वो तीन एलिमेंट FON, द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल. क्लियर है स्टूडेंट? ये कंडीशन सबको याद रहेगा, बोलिए हाँ या ना. Yes, sir. Good. अब आइए ऋषिक बंसल जी, यहाँ तक कोई डाउट है जो आप पूछना चाह रहे थे, आपको आंसर मिला या आप कोई पूछना चाहते हो तो बताइए. ऋषिक बंसल. नहीं सर, क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आइए कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ऑप्शन एजर्शन रीजन सब में क्वेश्चन दे सकता है. देखिए, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर सेम बट हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड विथ क्लोरीन. सिंपल कहेंगे, इट इज ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ क्लोरीन एटम. आपको रीजन अगर दे दे तो दोनों स्टेटमेंट सही होगा, लार्जर साइज. एक्टिव फोर्स कब स्ट्रॉन्ग होता है? जब साइज छोटा हो, याद है सबको हाँ या ना? जब, चूंकि क्लोरीन की साइज बहुत बड़ी है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा. बोलिए आया, मानसी, देविन, अर्पित, आदिति, रोशनी, सांची, सूरज, संध्या. यस सर. आपसे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सब पूछ सकता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन क्लोरीन का सेम है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ, क्लोरीन है. अब देखें, चलिए आगे बढ़े. हेलो एवरीवन. यस सर. थैंक यू. अब आइए,
टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है, पहला इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए सारे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए सारे लोग हाँ या ना। देखिए पहले इसके एग्जांपल को समझिए, जैसे मैंने अभी HF दिया आपको, प्लीज HF है तो आपको कहा गया HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बहुत सारे HF आएंगे ये आपस में कनेक्टेड, ये चलता रहेगा कनेक्टेड, बताइए ये हाइड्रोजन बॉन्ड है आपके पास। तो बताइए हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब ये हुआ कि दिस टाइप हाइड्रोजन बॉन्ड चाहे कोई भी दो टाइप की होगी, चाहे कोई भी टाइप की हो, कंडीशन दोनों में वही रहेगा, हाइड्रोजन एटम शुड बी कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे कोई भी केमिस्ट्री में पूछे बताओ क्या HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बना सकता है, क्या अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बना सकता है, क्या वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बना सकता है, क्या HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड है, नहीं, पहले डायरेक्ट समझ लें, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, OH है, बना सकता है, सॉरी बना सकता है, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बताएं, समझ में बात आ रही है, बेसिक तुम बहुत पहले समझो, पीछे कर दो, पीछे नहीं सर, नहीं सर वो पूछना था एक चीज, अच्छा हाँ डाउट पूछे, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर मैं कह रहा था सर, जैसे आपने वो करा HF बनाया, वो आपने अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में किया ना, मतलब एक कंपाउंड नहीं है ना वो, मतलब मल्टीपल कंपाउंड्स का बॉन्ड है, ये दो डिफरेंट कंपाउंड है, एक ही मॉलिक्यूल, एक ही आप दो डिफरेंट भी हो सकता है, देखिए सेम टाइप का भी कंपाउंड है, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, HF है, आप वाटर भी ले सकते हैं। हाँ यस सर ये पूछ, हाँ नहीं नहीं हाँ हमको सिर्फ कंडीशन ये भाई हम बताने वाले हैं, बताने वाले ही थे कि जो अभी इंटरमॉलिक्यूलर में आएगा तो अभी पहले कंप्लीट होने देते कि हाइड्रोजन बॉन्ड पहले एकदम माइंड में क्लियर कर लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड की टाइप्स कुछ भी हो, दो टाइप्स अभी पढ़ेंगे, कोई भी टाइप्स, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन यही है कि हाइड्रोजन एटम शुड बी कनेक्टेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, चाहे वो दोनों सेम मॉलिक्यूल हो या दोनों डिफरेंट हो, कैसा भी हो, हमें हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन से कनेक्टेड मिलना चाहिए या क्लोरीन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होना चाहिए या नाइट्रोजन से होना चाहिए, चाहे दोनों एक मॉलिक्यूल सेम टाइप हो डिफरेंट टाइप हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंडीशन में यही लिखा ही गया है, कहीं पर कंडीशन में नहीं है कि भाई हल्का होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन एटम शुड बी बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। उम्मीद है कि क्लियर हुआ सबको, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. अब जैसे मैं वही कहने वाला था कि इंटर, अब जैसे यहाँ पर HF है, अब फ्रेंड भी ले सकते हैं ना, फ्रेंड मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, हमें बस चाहिए कि भाई ये नेगेटिव है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, अभी लिखिएगा नहीं, अल्कोहल है, अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही है, ये आपस में भी बना सकता है, देखिए ऑर्गेनिक सब में आएगा, ये बना सकता है, अच्छा और ये अल्कोहल वाटर के साथ भी बना सकता है। हेलो एवरीवन, समझ सर आर क्या है? आर एक अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल वगैरह सब, अल्काइल 19 में पढ़ा है ना, यस, तो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दो सेम टाइप का भी मॉलिक्यूल है, दो डिफरेंट टाइप का भी, हमें बस चाहिए ये हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसी को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इट इज फॉर्मड बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर या तो दोनों मॉलिक्यूल सेम टाइप हो या डिफरेंट हो, इसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सर सर H2O और HCl में नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो HCl है तो, हाँ यस, हाँ तो सर मतलब मॉलिक्यूल में भी विदिन जो मॉलिक्यूल है उसमें भी होना चाहिए, दोनों, दोनों में हाइड्रोजन, हाँ दोनों में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, यस यस, आगे बढ़ें जल्दी बताएं के लिए, तो पहले एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट पहले ये टॉपिक डाल लिया आपने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड,
अब एग्जांपल अभी मत लिखिएगा, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं. देखिए इट इज फॉर्म टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट. आया समझ में? हाँ, या ना? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए, या तो दोनों सेम टाइप का हो या डिफरेंट टाइप का हो. आया डिफरेंट कंपाउंड का हो. एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? हाँ या ना? हेलो एवरीवन, इट इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड. बताइए, सबको समझ में आया? यस सर. थैंक यू. नोमा, नोहा, सबको समझ में आ रहा है? सभी यहाँ सबको आ रहा है? हेलो यस. इट इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड. लिख लिया सारे लोग? यस सर. चलिए एग्जांपल फर्स्ट, जल्दी जल्दी लिखिए एग्जांपल फर्स्ट, फटाफट लिखिए. सर इससे कंपाउंड स्ट्रॉन्ग भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से? स्ट्रॉन्ग नहीं, इसकी फिजिकल अभी बताएंगे. इसकी ये फिजिकल स्टेट को चेंज कर देता है. हाँ, वंडरवाल फोर्स तो स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड नहीं, वंडरवाल फोर्स. सो कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स से स्ट्रॉन्ग हो जाता है. उसकी वजह से फिजिकल स्टेट में चेंजिंग सब आती है. बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग आ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से चेंजिंग आ जाती है. समझा कि नहीं? विस्कोसिटी पर आ जाती है, सारे लोग. हाँ या ना? जल्दी बताइए. हेलो एवरीवन. यस सर. चलिए अब आइए दूसरा टाइप है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. अभी था इंटर, अब यह है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. बताइए इसमें भी वही बातें होंगी ना? हाइड्रोजन शुड बी कनेक्टेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना? हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब दोनों में वही रहेगा, HF OH NH. हेलो एवरीवन. यस सर. बस एक शॉर्ट फॉर्म में याद रख लीजिए कि इंट्रा, ऐसे भी डेली लाइफ में केमिस्ट्री में कहीं पर भी वर्ड इंट्रा हो आप समझ जाइए कि वो विद इन द सेम मॉलिक्यूल वो चीज हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर. यहां पर क्या था? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड. HF HF दो मॉलिक्यूल होना चाहिए, नॉट ओनली हाइड्रोजन. इंट्रा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इंट्रा का वर्ड केमिस्ट्री में जब भी आए समझ जाइए वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, विदिन द सेम मॉलिक्यूल. तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो इंटरमॉलिक्यूलर, और विदिन द सेम मॉलिक्यूल में बन रहा है तो इंट्रामॉलिक्यूलर. अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर.
कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? डायरेक्ट समझ में आ गया? बोलिए डायरेक्ट। हाँ फिर से बताइए, इंट्रा का क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनेगा? दो मॉलिक्यूल के विद इन द सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल। बहुत अच्छी मॉलिक्यूल। हाँ बाकी दोनों में वही रहेगा, OH NH HF, OH NH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ये रहना चाहिए बस। अब ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल का है तो इंटर हो जाएगा, विद इन द सेम मॉलिक्यूल के बीच में तो इंट्रा हो जाएगा, इंट्रा। ओके स्टूडेंट, सॉरी सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए देवांश, बोलिए 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 सर रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ फिर से रिपीट कर देते, मैं दोबारा आज स्ट्रक्चर से समझा देता हूँ तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। चलिए देखिए देवांश, वो बात नहीं आपने पूछा, यहाँ देखिए देवांश, मान लीजिए इस पर मत जाइए कौन सा मॉलिक्यूल है क्या है, वो सब हम समझा देंगे 5 मिनट के बाद, अभी रुक जाइए। आपके पास ये OH है ना, OH, जल्दी बोलिए देवांश, OH किस पर लगा हुआ? वेरी गुड वेरी गुड। और मान लीजिए ये NO है, यहाँ NO2 लगा हुआ, देखिए ये NO2 है दिवांश, NO2 है, ठीक है। अब बताइए दिवांश, देखिए OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, बोलिए सारे लोग, तो बताइए ये एक ही, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है कि नहीं, बोलिए ना सारे लोग मिलके। हेलो यस सर बन रहा। हाँ विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं इंट्रा। इसके लिए बहुत स्पेशल कोई, इसका बहुत अच्छे अच्छे भी कुछ, अभी तो क्वेश्चन वाली बात बताई नहीं, अभी तो थ्योरी चल रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशंस क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड की टाइप्स क्या है, अभी क्वेश्चन वगैरह कैसे पूछा जाएगा, अब तक मैं पढ़ा उस पर भी पूछ सकता है आपको। अभी तो ये सबको समझ में आया इंट्रा। हेलो एवरीवन, अरे बोलिए रिस्पॉन्स तो करें, वेरी गुड। सांची आपको आ रहा है? सांची पर आपने NO2 लगाया है, वो अभी आप मत बोलिए, अभी रुक जाइए आप। हाँ ये NO2 है, ये NO2 है, और बोलिए NO2 के बारे में कुछ पूछना है आपको? ये NO2 नहीं दिख रहा आपको? हेलो पूछ रहा था। हाँ NO2 ही तो है, नहीं दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना सबको? हाँ कोई बात नहीं, यहाँ देखिए वेन हाइड्रोजन एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या है ये जल्दी बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल, बस is formed when hydrogen atom is in between the two highly electronegative element present within the same molecule. अभी ये इस दा ये example बात बनाइएगा, वो मैं अच्छे से फिर बस से बताऊंगा। It is formed when hydrogen atom is in between two highly electronegative. देखिए hydrogen दो highly electronegative के बीच है कि नहीं, जल्दी बोलिए। Hello, दो highly electronegative के बीच में है within the same molecule. आगे बढ़े हैं, जल्दी बताइए। ये अभी मत लिखिएगा, अभी मैं बताऊंगा अच्छे से। लिख लिया सर, एक सेकंड। अब ये डायग्राम मत बनाइएगा, ये थ्योरी लिखिए सिर्फ। ये लिख लिया? यस सर, हो गया। अब सुने मेरी बात गौर से सुनिए, केमिस्ट्री में इसको बेंजीन कहते हैं, इसमें किसी को एतराज तो नहीं है? नो सर। अब सुनिए अच्छे से, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक जब मैं पढ़िएगा, मान लीजिए कोई वाई एटम लगा हुआ है,
इस वाई एटम के एडजेसेंट पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं। क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर है ना आपके इस दफा सिलेबस में फर्स्ट टर्म में नोमेनक्लेचर? यस सर। यस सर। और ये है मेटा और ये है पैरा। मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में कि आपको उल्ट्रा का एग्जांपल समझ में आए। मतलब ये किसी, ये मत समझे, ये रख लीजिएगा कि और तो मतलब ये किसी भी ग्रुप का एडजेसेंट पोजीशन, मान लिया कोई ऐसे लिख दे आपको टेढ़ा मेरा करके लिख दे OH, तो अब ऑर्थो ये हो गया एडजेसेंट पोजीशन ऑर्थो, उसके बाद वाला मेटा, जस्ट अपोजिट वाला पैरा। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो। यस सर। यस सर। अब सुने, तो ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर में बेंजीन पर जब OH वर्ड OH आता है इसको हम फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल। क्या कहते हैं जल्दी बोलें सारे लोग? फिनॉल। अब सुनिए, अभी लिखिएगा नहीं, ये आपके पास OH है, फिनॉल है, NO2 लगा दिया, आप बताइए इसका नाम जानते क्या हो जाएगा? O का मतलब ऑर्थो, O नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे? O नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे जल्दी बोलें? O नाइट्रोफिनॉल। हेलो एवरीवन, समझ में आया? या 1 2 2 नाइट्रोफिनॉल। लेकिन IUPAC ने दोनों को कंसीडर किया, दोनों बोल सकते हैं, ओ नाइट्रोफिनॉल, टू नाइट्रोफिनॉल। ओ अभी तो ओ के फॉर्म में याद रखिए, पहले बताइए ये वाला सबको समझ में आया ओ नाइट्रोफिनॉल? अब मैं क्यों पढ़ाया गौर से सुनो, अब आपके पास देखिए इंट्रामोलिकुलर को मैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज से डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा एक बात बताइएगा, मैं जिससे पूछूं, हमने NO2 यहाँ रख दिया यहाँ पर, बताइए अभी भी तो ओ नाइट्रोफिनॉल है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, इसके एडजेसेंट पर है, बताइए ओ नाइट्रोफिनॉल अभी भी हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोले हाँ या ना? यस सर, हो रहा है। अब देखिए, अब मैं इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दम अच्छे से समझा रहा हूँ, उसकी वजह है कि सर अच्छे से क्यों बता रहे हैं, उसका रीजन मैं बताऊंगा। O है और H है, तो वही दिवांश दोबारा समझिए, बताइए इस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आया कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना? अब बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, बस इसको चेक कीजिए, एक अनादर साइक्लिक रिंग बन रहा है कि नहीं? बोलिए बोलिए, एक अनादर साइक्लिक रिंग बन रहा है कि नहीं? अरे क्लोज रिंग, क्लोज रिंग बन रहा है ना, क्लोज रिंग, क्लोज रिंग। हाँ या इसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है और सिक्स मेंबर्ड है। ऑर्गेनिक कहता 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह का बन रहा है, देखिए सिक्स मेंबर्ड बन रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर। सिक्स मेंबर्ड, केमिस्ट्री कहता है जहां सिक्स मेंबर्ड बनेगा स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्लियर है? ओके उमर, ओके। हाँ, तो इसको कहते हैं ओ नाइट्रोफिनॉल इंट्रा विद इन द सेम मॉलिक्यूल। और याद रखिए इंट्रा अगर बनेगा तो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पर, बिकॉज टू ग्रुप्स आर नियरर टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। आप खुद लॉजिक लगाइए, अगर मैं अभी लिखवा दूंगा ये पॉइंट, अगर ये है आप बता दीजिए मुझे, क्या ये दो ग्रुप फार अवे फ्रॉम ईच अदर हो गया कि नहीं? क्या इसमें विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है? नहीं। अब ये दूसरे के साथ बना सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बना सकता है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल नहीं बना सकता। तो केमिस्ट्री में याद रखिए बेंजीन रिंग पर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा भी तो ऑर्थो पोजीशन पर, बिकॉज एट ऑर्थो पोजीशन टू ग्रुप्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एनी प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी, समझ में बात? सर अगर अभी जो डायग्राम आपने आया था उसमें अगर स्ट्रक्चर में हम OH के एडजेसेंट लगा लेते तो बन जाता ना एडजेसेंट? तो ये वाले स्ट्रक्चर में जो भी पीछे ये नो सर, तो जो भी पहले बनाया था हाँ किसी में बन जाएगा, इसमें भी बन जाएगा। मैं तो इस तरह, मैं थोड़ा सा, मैंने कहा था ना मैं थोड़ा खूबसूरत बनाऊंगा ना, ब्यूटीफुल, यू नो ब्यूटीफुल। हाँ आप कैसे भी बना दे, रफ डायग्राम में कैसे भी बना दे, कैसे भी बना दे, देखिए हेलो हेलो नहीं बन रहा है। यस हेलो, कैसे भी रख दे और पर कहें भी, मैं थोड़ा बना के दिखाया कि और देखिए इंट्रा की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा, एक अनदर क्लोज रिंग बना, एक अनदर साइक्लिक रिंग बना, इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। चलिए एक मिनट, ये पहली बात बताइए, ये तो लिख ही लिया था आपने, चलिए ये लिखिए जल्दी से फटाफट, फटाफट लिखिए।
बोले लिख लिया। यस सर। लिख लिया। हेलो एवरीवन। यस सर। टॉपिक डालें एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहला सॉलिबिलिटी, पहला लिखिए सॉलिबिलिटी। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? अच्छा एक मिनट रुक जाइए, इसको नहीं लिखिए, एक नोट लिखिए कि हो सकता है। देखिए तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो याद रखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हो सकता है ये ऑर्डर पूछ दिया आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, आपसे पूछेगा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज्यादा है। तो देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होगा HF वाला होगा, फिर OH होगा, फिर NH होगा। डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अरे बोलिए, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती भी है। जितना साइज छोटा होगा उतना एट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। क्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है, दो रीजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा क्लोरीन की साइज छोटी भी है, तो साइज छोटी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन। यस सर। बताइए बोलिए ना, लिख लिया? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन। पहला है सॉलिडिटी इन वाटर। कोई भी आप गौर से समझेंगे, कोई भी सब्सटेंस याद रखिए,
अ सब्सटेंस, मेरे साथ साथ लिखिए अ सब्सटेंस, सब्सटेंस विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. पहले यहां तक लिखकर मुझे बताइए कि यहां तक लिखा था. यहां तक लिख लिया, जल्दी बताइए. अ सब्सटेंस व्हिच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, लिख लिया यहां तक, जल्दी बताइए. यस सर. अच्छा बताइए, अ सब्सटेंस व्हिच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, बताइए. दो मॉले, एक सब्सटेंस हो गया वाटर, दो मॉलिक्यूल हो गया कि नहीं, जल्दी बताएं. यस सर. यस सर. इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर. याद रखिए, एप्लीकेशन जो आप पढ़ रहे हैं बेसिकली बुक लिखता हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन याद रखिए कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशन है. अ सब्सटेंस व्हिच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, देन दैट मॉलिक्यूल, दैट सब्सटेंस विल बी सोल्युबल इन वाटर. याद रखिए, सॉल्युबिलिटी का ऑर्गेनिक में एक क्राइटेरिया है, केमिस्ट्री में एक क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता देन सब, जैसे एग्जांपल लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर. जैसे देखिए, आपसे पूछेगा अल्कोहल्स आर सोल्युबल इन वाटर. सिंपल कहिए बिकॉज़, या एक मिनट, एक साथ में लिख दूंगा कि आपका टाइम बचेगा. अल्कोहल कहिए या ग्लूकोज कहिए या सुक्रोज, यानी एक ही, मैं एक एग्जांपल लेके समझाना चाह रहा हूँ, आर सोल्युबल इन वाटर. Because these compound, contains OH groups, तीनों में OH group, and which forms hydrogen bond with water. इसलिए सवाल है. अभी मैंने अभी आपको बताया भी था, अल्कोहल है, जैसे वाटर में डालिएगा अट्रैक्शन, वाटर इसको अट्रैक्ट कर लेगा. समझ में, रीजन समझ में है? वाटर इसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा. एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, हाँ या ना? जल्दी बताएं. नो सर. तो ये एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पहला है, सॉलिबिलिटी इन वाटर. अच्छा बताइए आप डायरेक्टली, आप लोग क्या अमोनिया वाटर में सोल्युबल होगा? जल्दी बताइए. क्या अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा कि नहीं? जल्दी बोले, हाँ या ना? यस. ग्लूकोज जो आप पीते हैं, ग्लूकोज क्यों वाटर में डिसॉल्व है? ग्लूकोज में OH है. अच्छा आप बताइए, H2S वाटर में डिसॉल्व होगा? जल्दी बताएं. नो सर. नो सर. इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं है तो वाटर के साथ भी नहीं बना पाएगा. क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? जल्दी बताएं. यस सर. यस सर. अब आइए सेकंड एप्लीकेशन पर. लिख लिया सारे लोग? कोई डाउट यहां तक सॉलिबिलिटी में तो पूछ लीजिए. यहां तक कोई डाउट है किसी को? सॉलिबिलिटी का क्राइटेरिया हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. उर्वशी, याशिका, समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. अब आइए और से समझ. दूसरा एप्लीकेशन है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट.
इसमें गौर से सुनो, बॉइलिंग पॉइंट का मेन क्राइटेरिया क्या है, ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट को समझ। जब भी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें कहीं कहीं देखिएगा अच्छे से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और से सुनो। और ये जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये मॉलिकुलर वेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड की। कहीं पर मॉलिकुलर वेट डोमिनेंट होगा और कहीं पर हाइड्रोजन। ये अब ये मिसलेनियस क्वेश्चंस है, इसलिए मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड से फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आती है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, उस लिक्विड का जिसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगा, तो उसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। तो वो दो बातों पर डिपेंड करता है, मॉलिकुलर वेट भी ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है तो। अब देखिए कैसे कंपैरिजन करेंगे, फर्स्ट आपके पास HF है, आपके पास HCl है, आपके पास HBr है, आपके पास HI है। पहले बताइए इन तीनों में क्या कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है, जल्दी बताइए। क्या इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन तीनों में? नो सर। सारे लोग मिलके बोले ना, सारे लोग बोले, क्या इन तीनों में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं है ना, अनम्यूट है कि अनम्यूट है ना आप लोग कि ना, अनम्यूट है, अनम्यूट है ना एवरीवन? यस सर, नहीं है। हाँ तो देखिए, तो इसमें आप कंसेप्ट लगा दीजिए, मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब देखिए सारे को, अब बताइए HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। हाइड्रोजन बॉन्ड की ऐसे क्या हो जाता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप में एसोसिएट हो जाता है, एसोसिएशन टेक्स प्लेस, नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिकम्स स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ हाइड्रोजन, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर HF फिर HI। पूछ देगा आपसे मैं क्या बताऊं, आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। यस, जैसे जैसे रुक जाइए, आपसे एग्जामिनर पूछेगा H2O है, सुनिए अच्छे से, H2S है, H2SE है, H2P है, फिर वही बात, क्या इन तीनों में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है? नो सर। नो सर। अगेन मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। अब बताइए इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2O, उसके बाद बताइए H2O के बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? अब यार यहाँ लिखा भी हुआ, बताइए ना, H2O के बाद H2TE का नहीं होगा? समझ में आ जाना, जल्दी बताएं। अरे बोलिए। यस सर। आ रहा है समझ में? या ध्यान क्यों नहीं बोल रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबको कंसेप्ट समझ में आया? बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, बोलिए आ जाना। यस सर। चलिए लिखिए जल्दी से। बोलिए आया, निकल गया सारे लोग? यस सर।
डन सर. देखिए इधर NH3, BH3, ASS3, SBS3. आप सुने इधर अच्छे से, क्या इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, जल्दी बताइए. नो सर. मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा. अब इसमें एक सतर्क रहना, बताइए सबसे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग HF में है कि H2O में होगा कि NH3 में होगा, जल्दी बताएं. HF अभी पढ़ाया था, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन इसका हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा लेस डोमिनेंट होगा की वजह से, इसलिए इसमें SBS3 फिर अमोनिया आएगा. सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन. अरे बोलिए ना सर, पता कैसे लगेगा फिर अगर क्वेश्चंस में, अगर हमें कि जो नाइट्रोजन के साथ होगा उसमें हमेशा सी होगा. हाँ यहाँ दिखा गया, यहाँ देख लो, यहाँ दिखा गया, देख लो सर. वो समझ गया सर, लेकिन इसमें फ्लोरीन और ऑक्सीजन का था, बट इसमें नाइट्रोजन का जैसे हो रहा है तो सर हमेशा नाइट्रोजन के साथ जो वो कम होगा. या हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप नाइट्रोजन. यस चलिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं. यहाँ मॉलिक्यूलर वेट इज यहाँ डोमिनेंट, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड लेस डोमिनेंट, क्योंकि इन तीनों में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें है, तीनों में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें, जल्दी बताएं. सर NH3. तो फिर इसलिए वीक है, इसलिए यहाँ मॉलिक्यूलर वेट डोमिनेंट है. ओके ओके सर. यहाँ पर लिख दिया गया था ना, यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर वेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइड्रोजन बॉन्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, पोलैरिटी भी इतनी ज्यादा है कि मॉलिक्यूलर वेट पर डोमिनेंट किया. यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, पोलैरिटी भी इतना है कि ये मॉलिक्यूलर वेट पर डोमिनेट है, ये थोड़ा सा वीक है, इसलिए SPS3 डोमिनेंट कर जाए. क्लियर है? हाँ या ना? सीधी बात है, नो कॉम्प्लिकेशन एनी. पहले पढ़ा दिया हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों बातों पर डिपेंड करेगी, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर वेट दोनों. क्लियर है? आगे बढ़े, जल्दी बताए. लिख लिया, जल्दी बताइए. यस सर. यस सर. अब सब इम्पोर्टेंट पढ़ाइए. देखिए यहाँ ओ नाइट्रोफेनॉल वर्सेस पी नाइट्रोफेनॉल, कोई लिखेंगे नहीं, सारे लोग ध्यान. ओ नाइट्रोफेनॉल का भी स्ट्रक्चर बनाया था, हाँ या ना, जल्दी बताइए. इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया गया था, जल्दी बोलिए सारे लोग. यस सर. और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड था, इंटर की इंट्रा? इंट्रा. वेरी गुड, बहुत अच्छे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, लिखेंगे नहीं सर. तो पी नाइट्रोफेनॉल में बस ऑक्सीजन की जगह फास्फोरस आ गया. अभी स्ट्रक्चर नहीं बनाया, अभी रुक जाइए. हाँ, पी नाइट्रोफेनॉल में स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस आप सही कह रही हैं, OH NO2 आ जाएगा पैरा पर. ये बोलना चाह रही थी? यस सर.
आप सुने सारे लोग, टू ग्रुप्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर कि क्लोज टू ईच अदर, दीस टू ग्रुप्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर कि फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फार अवे, क्या इस दोनों में विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? नो सर, नो सर, तो इसमें इंट्रा बनेगा। कैसे? या मैं तो इस तरह भी बना सकता हूँ, या थोड़ा समझाने की वजह से उसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वे में समझा रहा हूँ। देखिए OH है, NO2 है, मैंने कहा था ना इंटर की वजह से एसोसिएशन होने लगता है। क्या होने लगता है? एसोसिएशन। ये दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, उसको इंटर इसको हम इंटरमॉलिकुलर कह देंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए, जब दो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो इंटर कहलाता है कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। यस, ये भी पी नाइट्रोफेनॉल, ये भी पी नाइट्रोफेनॉल, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इधर से भी बनता रहेगा, उधर से भी बनता रहेगा। तो आप बताइए पी नाइट्रोफेनॉल में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बना? इंटर मॉलिकुलर। कोई बोलेगा इंटर क्यों बना? बिकॉज टू ग्रुप्स आर फार अवे, ये अपने से themselves दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा, लेकिन विद इन द सेम मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। यहाँ विद इन जब सेम मॉलिक्यूल बन गया तो ये दूसरों के साथ बना ही नहीं पाएगा। पहले ये दो डिफरेंस सबको समझ में आया? हाँ, जाना जल्दी बताएं। यस सर। एवरीवन, कोई डाउट इसमें? अब मैं इसका रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, अभी लिखना नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ओ नाइट्रोफेनॉल में इंट्रा, पी नाइट्रोफेनॉल में इंटर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो सर। अब आइए, आपसे एग्जामिनर पूछेगा बताओ ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, सुन लें तो बताइए किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इंट्रा वाला कि इंटर वाला? जल्दी बताओ। इंट्रा वाला। जोर से बोले। थोड़ी सी भी एनर्जी दीजिएगा ब्रेक कर जाएगा, यहाँ तो एसोसिएशन हो रहा है। बोलिए हाँ या ना? हेलो। यस सर। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? पी नाइट्रोफेनॉल का। हेलो एवरीवन, रीजन कोई पूछे? वही, due to the presence of inter, inter से क्या होगा? Association will takes place, net intermolecular force will strong, any problem? सर ये नहीं समझ आया कि inter का क्यों ज़्यादा intra से? Association का मतलब क्या होता है? यहाँ hydrogen bond कितने molecule के बीच में है, जल्दी बताइए आप? ये hydrogen bond कितने molecule के बीच में है अभी, जल्दी बताइए? हाइड्रोजन बॉन्ड कितने मॉलिक्यूल के बीच में है? दो मॉलिक्यूल है कि बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल? सर बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल कहाँ है? नहीं, नहीं, ये नहीं है, मतलब सेम मॉलिक्यूल है मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम टाइप है कि नहीं, ये बोलिए। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम टाइप है ना? हेलो। यस सर। इंटर का मतलब दो मॉलिक्यूल होना चाहिए, क्लियर? यहाँ एक ही मॉलिक्यूल है। आप बताइए आपका एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग है तो आपका एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स भी स्ट्रॉन्ग। यहाँ तो एसोसिएशन हो ही नहीं रहा है, यहाँ विद इन द सेम मॉलिक्यूल, यहाँ विद इन द सेम मॉलिक्यूल नहीं है। चल बहुत सारे इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते रहेंगे तो नेट एसोसिएशन। यहाँ देखिए HF का हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना? भाई एसोसिएशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कहते हैं ना इसका एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा एसोसिएटिव स्ट्रक्चर है। यहाँ विद इन द सेम मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसमें एसोसिएशन हो रहा है। क्या इसमें एसोसिएशन हो रहा है, जल्दी बताएं? नो सर। इंटर की वजह से हाइड्रोजन, इंटर की वजह से हमेशा सॉलिबिलिटी बढ़ती है, इंटर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इंट्रा की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ना बढ़ता है और ना सॉलिबिलिटी बढ़ती है। समझ में बात आई हाँ या ना?
यस सर आ गई है दैट द रीजन पी नाइट्रोफिनॉल में क्या कहेंगे हॉर्स ये वर्ड मैं लिख देता हूं ड्यू टू इंटरमोलेक्यूलर हॉर्स सुने ड्यू टू इंटरमोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल विल टेक्स प्लेस एसोसिएशन होने लगता है एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस अच्छा आप सुनो दूसरा ऑर्डर क्या पूछेगा एग्जाम में सुने आप बताइए दोनों में से सारे लोग बताइए मोर वोलेटाइल कौन है जल्दी बताइए ओ नाइट्रोफिनॉल वोलेटाइल मीन समझते हैं रिएक्टिव अच्छा वोलेटाइल मीन्स मोर वेपर फेज मोर वेपर बताइए वेपर में आसानी से कौन जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो या कम हो जल्दी बताएं जिसका बॉइलिंग कम हो एक जरा नहीं लॉजिक है सबको फिर से सुने अजीब आदमी है हीट किया जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है ये वेपर फेज में तो मुश्किल से जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट हाई का मतलब ये हुआ कि वेपर कम बन रहा है इसलिए आप हीट ज्यादा दे रहे हैं एक है कि थोड़ा सा हीट दिया वेपर बन गया दिस इज कॉल्ड वोलेटाइल वोलेटिलिटी मींस मॉलिक्यूल हैज गॉट लोअर बॉइलिंग पॉइंट सुना यस मोर वेपर प्रेशर लोअर बॉइलिंग पॉइंट याद हमेशा रखिएगा सोदा मैं यहां पर लिख देता हूं ओ नाइट्रोफेनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पी नाइट्रोफेनॉल इसका रीजन यही है ओ नाइट्रोफेनॉल में इंट्रा है एसोसिएटेड स्ट्रक्चर नहीं है बॉइलिंग पॉइंट कम है मोर वोलेटाइल दूसरी तरफ पी नाइट्रोफेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इंटरमोलेक्यूलर की वजह से एसोसिएटेड लेस वोलेटाइल डिड यू अंडरस्टैंड दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पेपर टफ बना हाइड्रोजन बॉन्ड पर तो आपको बॉइलिंग पॉइंट में ओ नाइट्रोफेनॉल और पी नाइट्रोफेनॉल के बारे में पूछेगा ओ नाइट्रोफेनॉल और पी नाइट्रोफेनॉल में दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये केमिस्ट्री में याद रख लीजिए कहीं पर अगर ये लिखा हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सॉलिबिलिटी बढ़ रही है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम है इंटर इंटर नॉट इंट्रा सुना सारे लोग हाँ या ना जल्दी बताएंगे यस सर ये दिमाग में हाँ ये दिमाग में सेट कर लें कि अगर कहीं पर लिखा रहे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस और वो तो मैंने लिखा भी है If any substance form hydrogen bond with water, मतलब दो different molecule हो गया boiling point, solubility ये सब जिस hydrogen bond की वजह से बढ़ती है उसको हम inter कहते हैं चलिए diagram बनाया था आप लोगों ने ये बना लिया था आप लोगों ने जल्दी बताइए
निकले सारे लोग? यस सर। सर वीपी क्या? पेपर प्रेशर। हाँ लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस सर। देखिए assertion reason में ये पॉइंट आ सकता है कि H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस, एक ऑप्शन क्या कहते हैं आपको assertion में दे देगा और फिर उसका स्टेटमेंट में दूसरे स्टेटमेंट में रीजन भी दे देगा। तो देखिए H2 इज लिक्विड, पहले तो आप समझिए ऐसे फिजिकल स्टेट गैस लिक्विड, पहले इसको छोड़ दीजिए, पहले कंसेप्ट को समझिए। फिजिकल स्टेट में गैस लिक्विड सबसे स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें होता है? सॉलिड में। यस सर। ऐसा चुप हो गया कि किसी को मालूम नहीं है? यस सर सॉलिड होता है। तो फिर सॉलिड के बाद फिर किसमें होता है? लिक्विड, फिर क्या होता है? गैस। एनी प्रॉब्लम? नो सर। बस यही कहिए, सिंपल कहिए, बिकॉज वाटर H2O इज एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड smaller size and highly electronegativity of oxygen। समझ में बात आई? H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वीक वंडरवाल फोर्स होगा, सबसे कमजोर फोर्स की पहचान क्या है? गैस। एनी प्रॉब्लम? वाटर है इसीलिए, इसी रीजन की वजह से ये लिक्विड स्टेट में होता है। सुना सारे लोग? वाटर के लिक्विड स्टेट में होने का रीजन यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझा कि नहीं? रिजल्ट्स इन लिक्विड स्टेट। सुना सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी बताएं। बट मैं ये भी लिख देता हूं, बट देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2S। सच सच बताइए, आया समझ में? हाँ या ना? जल्दी बता दो। यस सर। कोई दिक्कत? जल्दी बताएं। याशिका, उर्वशी, सूरज, सबिया, सांची, सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बता दें। यस सर। अदिति और अर्पित, आ रहा समझ में? यस सर। आगे बढ़े। अच्छा yes, अब एक एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट एक और मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन का। अच्छा आप मालूम है ना आइस का नाम सुना है? आइस। यस सर। अच्छा आइस को जब वाटर में एक गिलास वाटर के अंदर आप रखिएगा तो आइस डूब जाता है कि फ्लोट करता है सरफेस पर? जल्दी बताइए। लेकिन क्या होता है ये सब आप तो कह, ये सब आपसे भाई assertion, reason, statement based question, MCQ भी
और हो सकता है किसी स्कूल में अजर्शन रीजन भी आता है, उसमें भी पूछ सकता है। तो आइस फ्लोट्स क्यों करता है, फ्लोट्स ये सब एप्लीकेशन में है, फ्लोट्स एट द सरफेस ऑफ वाटर। अब मैं जो बता रहा हूँ और से समझिएगा, सरफेस ऑफ वाटर सारे देखते हैं। आइस सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। देखिए यस सर, हाँ इसका स्ट्रक्चर मैं बताने जा रहा हूँ। तो सॉलिड में क्या होगा, खुद दिमाग लगाइए, सॉलिड में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे कि नहीं, सॉलिड में मॉलिक्यूल की डिस्टेंस कम होती है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर, यस सर होती है। हाँ वेरी गुड, तो हम आपको स्ट्रक्चर बना रहे, मेरे साथ स्ट्रक्चर बनाइए आप, फिर मैं आपको समझ लाऊंगा। ये वाटर है, तो मेरे साथ बनाना शुरू कीजिए वरना टाइम लग जाएगा, जल्दी करें। ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होता है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, एक बना लीजिए, इधर भी इसी तरह का होगा, आप इधर भी कर सकते हैं। ये देखिए क्लोज बन रहा है, जल्दी बोलिए हाँ या ना, अरे बोलिए। इसको कहते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं, पिंजरा, समझते हैं ना, पिंजरा जिसमें तोता को आप रखते हैं, क्लोज तो रहता है लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा गैप भी रहता है, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, इसको कहते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर, और से सुनिए। तो एक बात बताइए, एक हाइड्रोजन बॉन्ड जानते हैं, सॉरी, तो याद रखिएगा आइस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर, तो बताइए वॉल्यूम ज्यादा होगा कि नहीं, केज में वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, जल्दी बताएं। यस सर, केज लाइक स्ट्रक्चर जब होगा, केज लाइक स्ट्रक्चर विथ लार्ज वेकेंट स्पेस, जब वेकेंट स्पेस होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इसीलिए आइस के ऊपर वो फ्लोट करता है। कोई भी कुछ आइस क्यों फ्लोट करता है, तो ये आइस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर, और लिख देता हूँ यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, यू टू, जल्दी बोलिए यू टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से केज लाइक एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, आइस में केज है, सॉलिड तो है लेकिन उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैकेंट स्पेस लार्ज हो जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, जबकि अगर बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता तो वॉल्यूम कम होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंट आप करके देखते हैं कि जब आइस को वाटर के ऊपर रखते हैं तो डूबता नहीं, वही कहेंगे केज लाइक स्ट्रक्चर विथ लार्ज वैकेंट स्पेस, तो वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घटा, तो इसीलिए डेंसिटी घटा तो हल्का हो गया, इसलिए वो फ्लोट होता रहता। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर, थैंक यू। आप बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड में कोई डाउट पूछना है, आप किसी को डाउट पूछना है तो पूछिए। तो ये पूरी चीज, तो जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट का बताया वैसे कुछ मेल्टिंग पॉइंट का भी होता है। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट भी, हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड की ऐसे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ती है। अच्छा पहले ये बना लिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रुकिए, पहले इसको आपका डाउट क्लियर, पहले इसको बना लिया सारे लोग। यस सर, यस, हाइड्रोजन बॉन्ड की, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत सारी एप्लीकेशन है, एग्जामिनेशन मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। जैसे अगर आपसे यही पूछ देगा H2O, H2S, H2SE, H2TE, इसमें मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछ ले तो वाटर का ज्यादा, फिर मॉलिकुलर वेट को। सुना सारे लोग, हाँ या ना। तो
कोई जरूरी नहीं है कि जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो वही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, ये नहीं कहे सर वही ऑर्डर तो है, नहीं, बहुत सारी जगहों पर अलग भी आता है। बॉइलिंग पॉइंट का फैक्टर अलग है, मेल्टिंग पॉइंट का फैक्टर अलग है। मेल्टिंग पॉइंट मेजर करते हैं सॉलिड स्टेट में, बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं लिक्विड स्टेट। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा। सुना सारे लोग? यस सर। लॉजिक भी लगे ना, जितना क्या कहते हैं इसको हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो उसमें वो ज्यादा क्लोजली पैक बनाएगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए फिर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर है? अच्छा आप लोग सच बताइएगा, कल मैं लास्ट क्लास केमिकल बॉन्ड पे लूंगा, कल संडे है ना, कल भी एक्स्ट्रा क्लास है, और कल सिर्फ तो सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगा क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा हो गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक दफा हो चुकी है, देखिए उसमें से क्वेश्चन आएंगे, और जो लोगों ने वीडियो लेक्चर नहीं देखा आप निष्कर्ष सर से ले लीजिए, वो पूरा डेढ़ घंटे का लेक्चर है, पूरा एमओटी आपका क्लियर हो जाएगा। हम उसके डाउट और क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एनर्जी तो पढ़ाई दिया हूँ, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिलेटेड क्वेश्चन सब कैसे करते हैं। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। तो मंडे को हो सकती है क्लास? नहीं नहीं, मंडे को तो आपकी रेगुलर क्लास है, मंडे को तो मंडे को एग्जाम है इसीलिए।